अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 4 हिस्ट्री का फर्स्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, बार्टर सिस्टम, सिविलाइजेशन कितने पार्ट में डिवाइड हुई, रिवर वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पीरियड ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था, डिस्कवरी कैसे हुई इन द सिटीज़ और देयर फीचर्स क्या थे, ठीक है। इसमें हमने टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ, सीटाडेल, लोअर टाउन ये सब कुछ पढ़ा था। नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। द ऑक्यूपेशन वॉज बेसिकली द इंडस पीपल वर फार्मर्स, वीवर, पोर्टर्स, मेटल्स वर्कर्स, टॉय मेकर्स, ज्वेलर्स, सम कटर्स एंड ट्रेडर्स। एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। ये सब इन लोगों का क्या था, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, बट साइड बाई साइड देवर हैविंग अ फार्मर, वीवर, पोर्टर एक्सेट्रा, राइट। बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सोइल फार्मर कल्टिवेटेड टू क्रॉप्स अ ईयर, ये दो क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे इन अ ईयर। इंडस वैली पीपल वर प्रोबेबली द फर्स्ट टू हैव ग्रोन पैडी, यानी कि इंडस वैली पीपल से जिन्होंने फर्स्ट पैडी को ग्रो किया था। दे न्यू डिफरेंट मैथड्स ऑफ इरीगेशन एंड यूज प्लग एंड सीकर्स। द इंडस पीपल वर ऑल्सो एंगेज इन हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग फ्रूट्स। द पॉटर्स व्हील वॉज कॉमनली यूज मेकिंग टेराकोटा टॉयज, यानी कि जो वो मिट्टी के मर्द जो पॉटर्स होते थे, देवर यूजिंग देयर व्हील्स टू मेक द टॉयज ऑल्सो, स्टैचूज, फिगर ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। इट वॉज अ वर्क विद द मेजोर इंडस्ट्री। द डिस्कवरी ऑफ द ब्रोंज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल इंडिकेट दैट दे न्यू द यूज ऑफ ब्रोंज, देवर न्यू हाउ टू यूज द ब्रोंज। वो ब्रोंज से जैसे अपनी यहाँ डांसिंग गर्ल ये वाली देख रहे हैं, देवर मेरी डैट। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिशंस क्रिएशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। नाउ सील मेकिंग, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन अनअर्थन सो फार एट डिफरेंट साइट्स, दे आर फ्लैट। देखिए जो सील्स होती थी, फ्लैट होती थी, स्क्वायर होती थी, रेक्टेंगल होती थी, आर मेड ऑफ टेराकोटा। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, देयर रिलीजन्स, ऑक्यूपेशंस, कस्टम्स एंड ट्रेड। प्रोबेबली देवर यूज बाय मर्चेंट एंड ट्रेडर। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी काम के लिए हमें स्टैम्प्स और यूज करनी पड़ती हैं फॉर देयर गुड्स एंड एक्सेट्रा। स्पिनिंग एंड वीविंग, द इंडस पीपल वर स्किल इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। दे मैन्युफैक्चर्स वूलन क्लोथ्स फ्रॉम शीप एंड गॉड्स हेयर, राइट। यानी कि वो वूलन क्लोथ्स को किससे बनाते थे, शीप और गॉड के हेयर से। नाउ ट्रेडिंग, द इंडस पीपल हैज एंगेज देमसेल्फ इन द इनलैंड एंड द फॉरेन ट्रेड। रिमेन्स ऑफ द डॉकयार्ड डिस्कवर्ड लोथल इन गुजरात क्लियरली इंडिकेट्स दिस डॉकयार्ड माइट हैव बीन द प्लेस वेयर शिप्स वर लोडेड एंड अनलोडेड। थर्स वी कैन से दैट द इंडस पीपल वर फैमिलियर विद शिप्स। इंडस सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द सेवरल इंडस साइट्स, ठीक है। इट्स सजेस्ट दैट द इंडस पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद देम, यानी कि जो इंडस पीपल जो किसके साथ ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया के साथ। द मर्चेंट आर ऑल्सो यूज वेरियस काइंड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। देखिए यहाँ पे आप ये सब पिक्चर्स देख सकते हैं, हाउ दे वर यूजिंग। नाउ सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ कैसी होती थी। देवर देयर सोशल ग्रुप्स, द फर्स्ट ग्रुप कंप्राइजेज पीपल फ्रॉम द रूलिंग क्लास हु लिव इन द सीटाडेल। सीटाडेल मैंने आपको पीछे बताया था, सीटाडेल लोअर हाउस हमने पढ़ा था, लोअर टाउन सॉरी। वेल्दी मर्चेंट्स एंड द हाई प्रिस्ट बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप। सम हिस्टोरियंस थिंक्स दैट द इंडस सिटीज वर गवर्न्ड बाय अ प्रिस्ट किंग, यानी कि कुछ लोग सोचते थे कि जो इंडस सिटीज बनी हो किसके द्वारा गवर्न है, प्रिस्ट किंग्स के द्वारा। द फिगर ऑफ ए पर्सन इन रीगल अटायर, ये यानी कि जो आप यहाँ पे ये देखेंगे, ही इज अ हरप्पन प्रिस्ट किंग हु लुक्स लाइक अ प्रिस्ट प्रोबेबली सजेस्ट दिस द प्रीटी मर्चेंट आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पर्सन बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप। यानी कि पीटी मर्चेंट्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में प्रिस्ट आते थे, सेकंड ग्रुप में क्या है कि मर्चेंट आर्टिशंस क्राफ्ट पर्सन बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप, द लेबर्स बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप एंड लिव इन द स्मॉल हाउसेज। नाउ ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, ये किस तरीके के ड्रेस और ऑर्नामेंट्स पहनते थे। द ऑर्नामेंट्स ऑफ द इंडस वैली पीपल वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बोन स्टोन्स, आइवरी शेल्स। द रिच वोर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, द पुअर यूज शेल, कॉपर, सिल्वर ऑर्नामेंट्स। वुमेन वोर ए शॉर्ट स्कर्ट, देखिए ज्वेलरी में ये सब कुछ ये पहनते थे। यहाँ पे आप ज्वेलरी देख सकते हैं, दैट डे वी वेयर। अब ये कपड़ों में क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स में तो ये सब पहनते थे। वुमेन्स वोर अ शॉर्ट स्कर्ट, इट वॉज हेल्ड द वेस्ट विद अ ग्रिडल। द मैन वोर ए लॉन्ग एंड लूज अनस्टिच गारमेंट। वुमेन वोर निकल नेकलेस, बेंगल्स, ब्रेसलेट, इयर रिंग, वेस्टमेंट। द वुमेन कॉम्ब देयर हेयर्स, मैन हैड ऑल्सो अडोर्न देमसेल्व विद ऑर्नामेंट्स लाइक आर्मलेट एंड फिंगर रिंग्स, लाइक। ठीक है, नाउ फूड, वीट एंड वाली वर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल।
दे वर फॉन्ड ऑफ मिल्क मीट फिश एग्स एंड फ्रूट्स, यानी कि ये लोग क्या थे, स्टेपल फूड से व्हीट और बार्ली और इसके साथ साथ ये मिल्क मीट वगैरह भी खाते थे। नाउ स्क्रिप्ट्स, द हरप्पा स्क्रिप्ट्स वर पिक्टोग्राफी, यानी कि जो स्क्रिप्ट थी दैट वॉज नोन एज द पिक्टोग्राफी, होता था पिक्चर लाइक साइन रिप्रेजेंट आइडियाज ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स, द स्क्रिप्ट हैज बीन एंगार्ड ऑन द न्यूमरस सील्स दैट हैव बीन फाउंड एट ऑल द इंडस वैली साइट्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द इंडस स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसअपीयर्ड, यानी कि ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक खत्म नहीं हुआ, डिसअपीयर नहीं हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलीजियस, अ सील रिप्रेजेंटिंग ए मेल डाइटी एंड द सम फीमेल फिगर एंड फाउंड एट द डिफरेंट साइट्स सजेस्ट दैट दे प्रोबेबली वर्शिप पशुपति शिवा, यानी कि जो ये मेल और फीमेल जो डाइटी की जो फिगर्स है दे वर नोन कि ये लोग इस तरीके से पूजा करते थे पशुपति शिवा एंड द मदर गॉडेस। मदर गॉडेस रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, यानी कि जो मदर गॉडेस थी वो फर्टिलिटी के लिए थी, और मतलब लोग देवर पूजा जो लोग करते थे इसलिए करते थे। देवर नो टेम्पल और अदर स्ट्रक्चर अमंग द रिमेन्स, यहाँ पे ये पिक्चर्स देख सकते हैं आप, मदर गॉडेस एंड पशुपति वर द प्रोबेबली टू मेजर डाइटीज वर्शिप बाय द पीपल। द इंडस पेपर पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, दे ब्यूरिड देयर डेड इन द ह्यूज अर्थन पोर्ट्स अलॉन्ग विद द फूड एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि जब ये लाइफ मर जाते थे तो किस तरीके से करते थे। नो स्ट्रक्चर फॉर्म एनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार एज द रिलीजियस बिल्डिंग एंड देयर आर नो आइकन्स और ऑर्नामेंटल डिजाइन टू सपोर्ट दिस। इट कैन दस बी कंक्लूडेड रिलीजन वॉज नॉट परहैप्स सच बेसिक ऑफ सोशल बॉन्डिंग, राइट। नाउ डिक्लाइन, अब देखिए इंडस वैली का डिक्लाइन कब हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बिटवीन 1900 BCE एंड 1700 CE। नथिंग डिफाइंड इन नो अबाउट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि कुछ भी नहीं था सिर्फ डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन के अलावा। द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो वर डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट अ नंबर ऑफ टाइम्स, जो मोहनजोदड़ो जो सिटी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और उसे दो तीन बार रीबिल्ड भी किया गया था नंबर ऑफ टाइम्स। द सिटीज माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक फ्लड चेंजेस इन द कोर ऑफ द रिवर इंडस। द सिटीज माइट ऑल्सो हैव डिक्लाइंड ओनिंग टू आर्यन इन्वेंशन, प्रोबेबली डिफोरेस्टेशन वॉज अनदर कॉज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन क्या था कि दिस इज वॉज अनदर डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। नाउ थैंक यू फॉर ऑल।